अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। NHM कर्मचारी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। उनका कहना था कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो उनका धरना अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सरकार अभी तक सिर्फ उन्हें झूठे आश्वासन ही देती आई है। वह सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं कर्मचारी नेता ने बताया कि इतना काम करने के बाद भी हमारा शोषण किया जाता है, कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं करता। कोई नेता हो या अधिकारी सिर्फ रोटियां सेकने का ही काम करते हैं, झूठे आश्वासन ही देते हैं। सर जी बताएंगे, NHM के कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं, आज क्या है सामने जी? कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पहले भी बातचीत तो 4-5 बार हो चुकी है, लेकिन ये सरकार एक बार बात कह के फिर मुकर जाती है, इसलिए मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो कर्मचारी को पता है कि जनता परेशान होती है, वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए दुखी मन से ही सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। क्योंकि 5-6 बार पहले आश्वासन मिल चुके, कभी ये आश्वासन, कभी वो आश्वासन, और अब ये 2 दिन से अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं सरकार के साथ, कोई हमें आश्वासन भी नहीं मिला उनके बाद, तो इसलिए इस सरकार की हड़ताल अनिश्चित काल भी चल सकती है। अभी शाम तक हम वेट करेंगे, हमारे जो बड़े नेता हैं, तो उसके बाद जैसे भी डिसीजन होगा फिर आगे आगे देखेंगे। तो क्या हमारे पेशेंट, हमारे मरीज परेशान हो, वो यहाँ पे आते हैं हमें दिखाने के लिए, फिर हम उनको कहते हैं कि आज तो हम हमें माफ करो, हड़ताल कल आपका भी स्वास्थ्य। तो किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल पर? मेन मांग है रेगुलाइजेशन, और एक मुश्त जो इनकी बढ़ाई गई थी वो एक मुश्त मिलेगी, और अब तो जैसे 20-20 सालों से कर्मचारी हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, उनको तो पक्का करो, जब आप अपनी तो सैलरी हर महीने बढ़ा लेते हो, एक भी सांसद एक भी MLA नहीं अपनी सैलरी बढ़ने का विरोध करता विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद भवन में, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो सिर्फ लोली टोप पकड़ाया जाता है, और ऐसी टोपी दी जाती है प्लास्टिक की, उन्हें उगले ना हो मीठा कुछ भी, अगले बार जाते हैं तो फिर मुकर जाते हैं, बदले का आश्वासन, अब इलेक्शन को देख के नया आश्वासन दे दिया, बोले रुको पहले 31 जनवरी 19 जनवरी को जाने, इसलिए मजबूरी में इनको बैठना पड़ता है। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी बैठे रहेंगे, और तनख्वाह मिलती है, और इतनी तनख्वाह में हम उनसे 4 गुना ज़्यादा काम करते हैं, और हमारा शोषण किया जाता है हर बार, तो हम कहाँ बैठ के रहते हैं? पहले ज्ञापन दिया सर, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, जितने MLA हैं, विरोधी भी आके वो रोटियां सेक रहे हैं, उनको पता है अभी अब आप सेक लो रोटियां, पहले इन्होंने सेक ली, जब ये विपक्ष में थे तब ये रोटियां सेकते हुए, ये वही MLA मंत्री हैं जो दरी पे आके बैठते थे हमारे साथ के, नहीं हम आपके साथ हैं, आप स्ट्राइक रखो, अब दूसरे आ रहे हैं, अब दूसरों से भी क्या उम्मीद करेंगे कर्मचारी, कर्मचारी और आम जनता को सभी सरकारों से मतलब परेशान हो चुकी है, अब तो इनको सबक सिखाने का टाइम है, तो ये चाहते हैं कि जैसे इनको वहाँ पे जींद में उपलब्धि मिल गई है कि हम सारे हरियाणा में दोबारा आएंगे, जींद में उपलब्धि नहीं मिली है, एंटी कांग्रेस इलेक्शन हुआ है, मतलब उसके पक्ष में BJP के पक्ष में इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बाह्य उम्मीदवार जाके बैठ गया, तो वहाँ के कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया, उन्होंने हराया, और ये सोचे कि हमारी जीत होगी, इस भ्रम में ये अपने सभी कर्मचारियों को नाराज करेंगे, इनसे खेती और मजदूर सभी को नाराज है, इनसे एक भी ऐसा नहीं जो इनके पक्ष में हो, आप आवाज लगा के देख लो, इनकी रैलियों में 100 आदमी भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि जिसे वादा किया था वो काम ही नहीं किया, जनता तो काम चाहती है वही नहीं बांट देंगे, इनके बाप की बात होती थोड़ी है, ये इनकी सदा सदाई की बात होती है, तो इसलिए हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। NHM एकता। वही NHM कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंची आशा वर्कर की प्रधान प्रवेश माता नेहल ने कहा कि आज हम NHM कर्मचारियों का समर्थन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा हम इनके समर्थन में उतरेंगे और इनका पूरा पूरा साथ देंगे। समर्थन करने आया आप NHM कर्मचारियों को, क्या कहना है? आज जो NHM जो धरना चला हुआ है आज कुछ ना कुछ कर, लेकिन इनकी जायज मांगों को देख के आम सरकार से मांग करते हैं कि जो NHM की जो सही मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब किसी कर्मचारी की मांगों को पूरा करें किया जाए, अन्यथा अगर जो इन सेकेंडरी में भी फैसला लेगी तो उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए उनके साथ, तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि समान काम समान वेतन होना चाहिए, और इनकी मांग
सरकार सत्ता में आई है तो कहा था कि हर साल 2 लाख कर्मचारी पद्धति भर्ती करेंगे, लेकिन सरकार से पल्ला जाती है तो लगातार कर्मचारी इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी एकता को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को बता दिया जाए, तब तक इनको जो वेतन है वो समय पर मिलना चाहिए, उनका जो भी जाए जाने से उनका हम प्रधानमंत्री से। झज्जर से संजना छाबड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।